राशन बेचने वाले राशन दुकानदार द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 2 सितंबर को शहर के संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने के साथ साथ उन्हें अनाज की आपूर्ति भी बढ़ाई जाए, साथ ही अन्य विविध ऐसी मांगों को लेकर कल ये आंदोलन किया जाएगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी राशन दुकानदार सेल, इसके माध्यम से विदर्भ स्तरीय धरना आंदोलन का कल 2 तारीख संविधान चौक पे 12 बजे से 4 बजे तक के धरना आंदोलन किया है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 2016 के बाद में राशन दुकानदारों का कमीशन जो है 150 रुपये था, वो 7 साल हो गए लेकिन वो कमीशन अभी तक बढ़ा नहीं। 150 रुपये कमीशन होने के इसके बावजूद दुकानदार अपना घर परिवार नहीं पाल सकता, दुकान के अंदर काम करने वाला जो लड़का रहता है उसका पगार निकालना कठिन हो जाता है, अपना परिवार चलाना कठिन हो जाता है, दुकान का किराया निकालना कठिन हो जाता है। इसलिए धरना प्रदर्शन विदर्भ लेवल पे कल दोपहर को हमने आयोजित किया है और इसके माध्यम से हम सरकार को, राज्य सरकार को एक अच्छा मैसेज देंगे। हमारी जानकारी के अनुसार ये जानकारी है कि कल 1000 से 1500 दुकानदार कल इस धरना प्रदर्शन के अंदर में विदर्भ से हमारे को सहयोग करेंगे। कौन सी मांगों को लेकर आप धरना आंदोलन कर रहे हैं? हमारी मांग है सबसे पहले तो जो हमारा कमीशन है 150 रुपये, ये कम से कम हमारे को राज्य सरकार ने 500 रुपये करके देना चाहिए, ताकि जो आपने जो अभी प्रश्न उठाया है कि दुकानदार कालाबाजारी करता है, ये करता है, जबकि हमारा दुकानदार कोई कालाबाजारी नहीं करता। कालाबाजारी करने के लिए सरकार उसको प्रोत्साहन देती है, मजबूर करती है उसको कि ये कमीशन कम होने के वजह से छोटे जो दुकानदार है जिनके 10 बोरे होते हैं, किसी का 5 बोरे कोटा होता है, वो अपना बेचारा 2-3 बोरे गेहूँ बचा के, चावल बचा के अपना घर का पालन पोषण करना चाहता। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।